सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल समाधान चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए बेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मात्र 30 मिनट के अंदर आप पैन कार्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ पैन कार्ड का नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो पे बने रहिए और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर पूरा वीडियो देखिए, वीडियो खास होने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान चैनल, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों NSDL पैन कार्ड की साइट पर जाकर के आप इजीली पैन कार्ड जनरेट कर सकते हैं और मात्र 30 मिनट के अंदर आप PDF फाइल में उसका पैन कार्ड ओरिजिनल प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ पैन नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रोसेस में जो टाइम लगने वाला है वो सिर्फ 5 मिनट का लगने वाला है। अब इनमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। आप जिसका भी पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं NSDL साइट पर, तो आपको उसके आधार कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है और उसके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल मौजूद होना चाहिए, क्योंकि उस पर वेरिफिकेशन OTP जाएगा जो कि ऑथराइज करेगा आपके आधार को पैन कार्ड के लिए। चलिए देरी न करते हुए चलते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर। आपको गूगल सर्च पर लिखना है NSDL पैन कार्ड। जैसे ही आपको यहाँ पर फर्स्ट लिंक यहाँ पर दिख रहा है तो आपको यहाँ पर इसे क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्टर्ड यूजर, ये दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन पर इस पूरे फॉर्म को फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको कैप्चर कोड भरने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपको एक टोकन नंबर प्राप्त होगा, वो आपको कॉपी कर लेना है, कहीं नोट कर लेना है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर यदि आप इसे सबमिट करते हैं तो डायरेक्ट ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। लेकिन कभी कभार मान लीजिए अगर यदि आप लॉग आउट हो गए और आप बाहर आ गए तो आप अपने पोर्टल पर लॉग इन कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड यूजर का इस्तेमाल करना है। क्योंकि आपने पहले से ही रजिस्टर कर चुका है, आपको यहाँ पर आने की जरूरत होगी और जो टोकन नंबर आपने वहाँ पर नोट किया हुआ है इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आपने जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड की है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है। जिसका पैन कार्ड बना रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। कैप्चर कोड भरने के बाद आप इसे सबमिट पर क्लिक करेंगे, आप पुनः से उसी डैशबोर्ड पर चले जाएंगे जहाँ पर आपने काम करना है। इसके आगे की प्रोसेस क्या होती है चलिए जानते हैं। अप्लाई ऑनलाइन में जाकर आपको एप्लीकेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस टाइप का पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, नया पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, विदेशी पैन कार्ड बनाना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं। एप्लीकेंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, किस कैटेगरी पर पैन कार्ड बनाना चाहते हैं। अब नीचे आप एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन दे देंगे। याद रहे यहाँ पर लास्ट नेम पहले देना होता है और फिर फर्स्ट नेम देना होता है, फिर मिडिल नेम देना होता है। यहाँ पर एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना अनिवार्य है। यहाँ पर आप जिसका भी पैन कार्ड बनाना चाह रहे हैं आप उसका ईमेल आईडी डाल सकते हैं या तो फिर आप अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डालना है आप जिसका पैन कार्ड बना रहे हैं के आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक हो, नीचे इस बॉक्स पे चेक मार्क कर देना है। उसके बाद नीचे कैप्चर कोड भर के सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आप यहाँ पर आपको टोकन नंबर जनरेट हो गया है, पर टोकन नंबर है इसे आप कहीं पर नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी मैंने आपको बताया कि किस लिए किया जाता है, अगर यदि किसी प्रकार से आप इसे लॉग आउट हो जाते हैं तो, वरना तो आपको जैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस पर क्लिक करते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं, तब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको इसे बाय डिफॉल्ट रहने देना है क्योंकि आप यहाँ पर EKYC साइन चाहते हैं, क्योंकि आप आधार कार्ड के थ्रू तुरंत ही पैन कार्ड जनरेट करना चाहते हैं। और अगर यदि आप डॉक्यूमेंट्स या फिजिकल पैन कार्ड चाहते हैं तो दूसरे और तीसरे ऑप्शन को क्लिक करना है, लेकिन उससे बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पर ही क्लिक रहने दीजिए। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, फिजिकल पैन कार्ड आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो फिजिकल पैन कार्ड मुझे चाहिए तो यस पर क्लिक कर दूंगा मैं। नीचे आते हैं तो आपको आपके आधार का लास्ट 4 अंक यहाँ पर डालने हैं। अब यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी पैन कार्ड पर चाहते हैं तो यस पर क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का पूरा नाम दिखाई दे रहा है, डेट ऑफ बर्थ सहित, आप उसे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। पैन कार्ड में आपका जो नाम है इस प्रकार से प्रिंट होकर के आएगा। डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, क्या आप कभी दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, अगर यस तो हाँ पर क्लिक कीजिए या फिर नो पर क्लिक कीजिए। पैन कार्ड पर आप किसका नाम देना चाहते हैं, फादर या मदर का, आप किसी का भी नाम देना चाहते हैं आपके पैन कार्ड पर आप उसका नाम यहाँ दे दीजिए, मैं यहाँ पर फादर का नाम डालता हूँ। याद रहे लास्ट नेम आपको पहले डालना है, बाद में आपका फर्स्ट और मिडिल नेम आएगा। पैन कार्ड में आप फादर या मदर जिस किसी को भी नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको आपका सोर्स ऑफ इनकम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एड्रेस आपका बाय डिफॉल्ट है क्योंकि आपने यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू EKYC किया है, तो आपके जो आधार कार्ड में एड्रेस रजिस्टर्ड है पैन कार्ड आपका उसी एड्रेस पर ही जाएगा, इसलिए आपको यहां पर एड्रेस पर कुछ भी टाइप नहीं करना है।
अदरवाइज आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसे सभी ऐसी खाली छोड़ देना है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है अगर यदि पैन कार्ड आधार कार्ड के बेस पर बना रहे हैं, आपको यहाँ पर इस एड्रेस को भरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके आधार के रजिस्टर्ड पर ही आपको पैन कार्ड पहुँचाया जाएगा। अब नीचे आपको आपका कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट है एरिया कोड, AO टाइप के कोड पूछे जा रहे हैं, उसे आप कैसे ले सकते हैं। आप नीचे की ओर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना का स्टेट टाइप कर देना है, सिटी सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे आप देख पा रहे होंगे इतने सारे विकल्प आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ पर आपका वार्ड भी यहाँ पर मेंशन कर रहा होगा, आपका वार्ड या फिर आपके नियरेस्ट जो भी वार्ड यहाँ पर शो कर रहे हैं आपको उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। हो सकता है कि आपका वार्ड यहाँ शो ना कर रहा हो, लेकिन आपके नजदीकी जो भी वार्ड यहाँ पर शो कर रहे हैं आपको उसे ही सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सिलेक्ट करते तो देखेंगे ऊपर ऑटो अपने ही आप यहाँ पर पूरा फॉर्म फिल हो जाता है। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन करना है, हिमसेल्फ हर सेल्फ पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, प्लेस यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको आपके आधार का शुरुआत का 8 अंकों का आधार नंबर टाइप करना है। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर एप्लीकेंट की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, उसका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपने फॉर्म उसका फिल किया है आप नीचे एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं। किसी प्रकार की मिस्टेक है तो आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने EKYC का ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो ये बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद आपको प्रोसेस पर क्लिक कर देना है नीचे आकर। अब यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड पर ले जाएगा। बैंक से अगर यदि करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी चार्जेस है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं आपको, आपको किस चीज़ पर कितना चार्जेस लगेगा। पेमेंट प्रोसेस पर आगे पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब आपको जितना पेमेंट पे करना है उसका अमाउंट और ट्रांजेक्शन आई डी शो हो रहा है। ट्रांजेक्शन आई डी आपको कॉपी कर लेनी है। किसी भी प्रकार की पेमेंट में अगर प्रॉब्लम होती है तो ये आपको पैसा रिफंड करने के लिए जरूरत आ सकती है। पेमेंट मोड सिलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट इसका ट्रांजेक्शन आपको सफलतापूर्वक कर लेना है। पेमेंट करते वक्त कुछ समय का वेट करना है क्योंकि थोड़ा सा वक्त लग जाता है। इसके बाद यहाँ पेमेंट स्टेटस यहाँ पर सक्सेस लिखा आ रहा है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे की ओर आ जाना है, इस बॉक्स पर चेक मार्क करने के बाद नीचे ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू विद KYC पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त हुआ होगा, उस OTP को यहाँ पर डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू विद eSign पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके आधार का VID नंबर या आधार नंबर डाल देना है और ऊपर बॉक्स पर चेकमार्क कर देना है। सेंड OTP पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद पुनः एक OTP और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, उसे यहां पर डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहां पर PDF फाइल यहां पर मिल रही है, आपको उसको यहां पर डाउनलोड कर लेना है। आपको इसका एक PDF आपको रजिस्टर्ड ईमेल पर भी मिल चुका होगा, जहां पर आपको इसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप और आपने जो भी फॉर्म ऑनलाइन फिल किया उसका प्रिंट यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसे देखने के लिए आपको आपका डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY के फॉर्मेट पर डालना अनिवार्य है, जो कि इसका पासवर्ड है। यहां पर आपको फॉर्म की जानकारी मिल जाएगी और आपने जो फॉर्म भरा है उसका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी आपको यहां पर मिल जाती है। ये इस प्रकार की आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है। यहां पर ऊपर भी आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देखने के लिए मिल जाता है। अब यहां पर मुझे आधे घंटे के बाद मुझे एक मेल प्राप्त हुआ है और यहाँ पर PDF जो मुझे प्राप्त हुई है उसे डाउनलोड करके इसका पासवर्ड डालकर इसे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से पैन कार्ड यहाँ पर मुझे प्राप्त हो जाता है। अब मैं इसका कलर प्रिंट निकाल कर इसका उपयोग कर सकता हूँ। फिजिकल पैन कार्ड आने पर आपके घर पर तकरीबन 15 से 25 दिन का वक्त लग जाता है, जब तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब अगर यदि आप चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड ईमेल पर आपको प्राप्त नहीं हुआ है और आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कैसे ऑनलाइन भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको NSDL की वेबसाइट पर चले जाना है। आपको जो मेल प्राप्त हुआ होगा तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर यहां से मेल से कॉपी कर लेना है। NSDL साइट पर आपको चले जाना है डाउनलोड ई पैन कार्ड पर। यहां पर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूंगा। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करके आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ MMYYY के फॉर्मेट पर आपको यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा कोड भर के जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको OTP रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल पर जिस पर भी लेना चाहते हो उस पर लेकर OTP वेरीफाई कराने के बाद आप इजिली पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। PDF जो भी डाउनलोड होगी उसका जो पासवर्ड होगा वह डेट ऑफ बर्थ होगा DDMMYYYY के रूप पर, आप उसे वहां पर पासवर्ड डालकर उसे प्रिंट दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पर देखना चाह रहे हैं। और यदि आपका कोई प्रॉब्लम या कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं फ्री होते ही आपके कमेंट पढ़कर उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।